नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटीग्रा एसेंशियल लिमिटेड कंपनी के स्टॉक के बारे में, उसका फ्यूचर कैसा रहने वाला है और उसका 2 वीक्स का मैं आपको प्रेडिक्शन भी देने वाला हूं और साथ के साथ मंथ वाइज पूरे साल का भी आपको एक मैं प्रेडिक्शन फोरकास्ट देने वाला हूं। तो इत्मीनान के साथ वीडियो में आप सुनेंगे तो आपको फायदा होगा। अगर आप इस स्टॉक में लॉस में हैं या आप प्रॉफिट में हैं तो और कितना प्रॉफिट आपको बन जाएगा ये आपको क्लियर होगा। साथ के साथ अगर आप कोई नई एंट्री लेना चाहते हैं, नई इसमें बाइंग करना चाहते हैं तो उसके लिहाज से भी आपको इसमें समझने को मिलेगा। फिर भी याद रखना चाहिए, अगर आप अपने पर्सनल लेवल पर कोई भी नया इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर लें, उनसे सलाह के थ्रू ही आप उस इन्वेस्टमेंट को प्लान करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होती है जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो सकें। हम बात कर रहे हैं इंटीग्रा एसेंशियल लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। कंपनी एग्रो प्रोडक्ट्स में डील करती है और टेक्सटाइल गारमेंट का भी काम करती है, मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन जो होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इस तरह का इनका बिजनेस है कंपनी का। अगर मैं मार्केट कैप की बात करूंगा तो मार्केट कैप बहुत बड़ा नहीं है, करीब 400 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। आरओई कुछ ऐसा रिजल्ट में शो नहीं हो रहा है। डिविडेंड कंपनी नहीं ऑफर करती है, कंपनी पर डेट भी है और इसके फेस वैल्यू स्टॉक की 1 रुपीज़ है। लास्ट 52 वीक्स की हम बात करेंगे, वो 1.65 रुपीज़ इसका लो रहा है और 9.45 रुपीज़ इसका हाई रहा है। और मैं आपको स्टार्ट करने से पहले एक बात बताता चलता हूँ कि वीडियो को शुरू कर रहे हैं इंटीग्रा एसेंशियल के स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, पिछले साल की बात करेंगे जून 2022 की। तो जून 2022 में इसका स्टॉक 1.84 रुपीज़ 85 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा था। तब से अगर अभी तक का समय देखें, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मार्च 2023 में, तो अभी आप देखेंगे तो इसने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं पिछले जून से अब तक, यानी कि 1 ईयर के अंदर तो बहुत अच्छे रिटर्न इसने दिए हैं। करीब करीब आपको 350% से भी ज़्यादा का ये रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने। तो हालांकि ये एक बहुत कम पैसे वाला स्टॉक है, पैनी स्टॉक कह सकते हैं, तो इसमें मल्टी बैगिंग जो रिटर्न की संभावना बनती हुई दिख रही है या ये कितना रिटर्न देने वाला है ये आप इतना के साथ वीडियो सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। टू द पॉइंट बात करेंगे, बिल्कुल इधर उधर की कोई बात नहीं है, स्टॉक से रिलेटेड ही मैं आपको बताने वाला हूँ। कोई भी डाउट्स आपके रहते हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं। किसी नई कंपनी के ऊपर आप चाहते हैं, किसी और कंपनी पर स्टॉक पर आप चाहते हैं मेरा एनालिसिस हो तो मैं उस पर भी वीडियो बनाने के लिए तैयार रहता हूं। आप मुझे लिख सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी लिख सकते हैं, नए इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछ सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स के बारे में और भी फाइनेंशियल जो भी इन्वेस्टमेंट है आप उसकी बात हमसे कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं इंटीग्रा एसेंशियल के स्टॉक के बारे में। मैं आपको बताता चलूँ एक लाइन में, तो मेरे हिसाब से ये एक वेरी गुड स्टॉक है फॉर लॉन्ग टर्म का। अगर आप प्लान करते हैं 1 ईयर का लेके चलते हैं तो ये वेरी गुड स्टॉक है। सीधा पॉइंट की बात करेंगे, अभी ये 7.75 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था, अब आगे इसका 14 डेज का कैसा रहने वाला है वो फोरकास्ट मैं आपको शेयर करता हूँ डेट वाइज। तो आप नोट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक से उसको आप प्लान में ले सकते हैं, कहाँ आपको इन होना है, आउट होना है, आपको चीज़ें क्लियर होंगी, ऐसे मुझे उम्मीद है। 13th मार्च की बात करेंगे, 13th मार्च 2023 को ये 8.30 रुपीज़ के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करने वाला स्टॉक है। 14th मार्च को 8.25 रुपीज़ और 15 मार्च को 8.50 रुपीज़ के आसपास ही रहेगा। 16th मार्च को 8.45 रुपीज़ और 20th मार्च को आप देखेंगे कि 8.50 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड करने वाला है और 21st मार्च को 8.45 रुपीज़ के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। 22nd मार्च को यानी 22 मार्च को 8.65 रुपीज़, 23 मार्च को आप नोट कर सकते हैं 23 मार्च को रहेगा ये 8.65 रुपीज़ के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। 24th मार्च को 8.65 रुपीज़ के मैक्सिमम प्राइस पर ये ट्रेड करेगा। मींस कि इसका जो अपसाइड है वो 8.65 रुपीज़ इसका अपसाइड रहने वाला है और डाउनसाइड की आप बात करेंगे तो 7.35 रुपीज़ इसका डाउनसाइड रहेगा कमिंग 2 वीक्स यानी 14 डेज के अंदर। मैंने आपसे शेयर किया हाईएस्ट और लोएस्ट पॉसिबल प्रेडिक्शन 14 डेज की यानी कि 2 वीक्स की। अब मैं आपको बताता चलता हूँ कि मंथ वाइज यानी कि अप्रैल से लेकर दिसंबर तक ये कैसा रहने वाला है, किधर ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी फोरकास्ट मैं मंथ वाइज आपको प्राइस प्रेडिक्शन बताता हूँ। अप्रैल 2023 में आप नोट करेंगे ये 8.45 रुपीज़ के आसपास ही आपको दिखाई देगा मैक्सिमम प्राइस पर ये ट्रेड करने वाला है। मई में ये 8.55 रुपीज़, जून में भी आपको सेम 8.55 रुपीज़ के आसपास ही ये ट्रेड करता हुआ दिखेगा। जुलाई में ये 9.10 रुपीज़ के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करने वाला है। अगस्त में 9.50 रुपीज़ पर ये मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। उसके बाद सितंबर की बात करेंगे, सितंबर 2023 में तो आप देखेंगे 9.55 रुपीज़ के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। उसके बाद अक्टूबर में बात कर रहे हैं 9.75 रुपीज़ के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। देन नवंबर की बात करेंगे तो नवंबर में ये और ग्रो करने वाला है, 10.10 रुपीज़ के मैक्सिमम प्राइस पर ये ट्रेड करने वाला स्टॉक है। दिसंबर की बात करेंगे, दिसंबर 2023 में ये आपको 9.95 रुपीज़ के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा, ऐसा ये स्टॉक
दिख रहा है इसकी ये फोरकास्ट 2023 की पूरे साल की एक मैंने आपको दी है। प्रिडिक्शन एक्यूरेट ही होती हैं बट मार्केट की सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है, इसमें घबराने या उसकी जरूरत नहीं है। आप लोग भी डेली बेसिस पर मार्केट को देखते ही हैं। तो अभी अगर आप प्लान कर रहे हैं कि इसमें कोई नया स्टॉक, इसमें नया इन्वेस्टमेंट का, तो अगर आप 1 ईयर का प्लानिंग करके चलते हैं तो आप ऐसा देख सकते हैं कि इसके अंदर 30% के आसपास का अर्निंग पोटेंशियल दिखता है, यानी कि 1 ईयर में आपको ये 30% 32% 31% के आसपास रिटर्न देने की क्षमता देने वाला एक अच्छा स्टॉक है, वेरी गुड स्टॉक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, और भी किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं। आपके क्वेश्चंस का भी वेलकम है, रिलेटेड टू स्टॉक होंगे तो बहुत अच्छा है। साथ के साथ अगर आप किसी नए टॉपिक पर चाहते हैं वो मुझे बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, और साथ के साथ चैनल ज्वाइन भी कर सकते हैं। शॉर्ट्स में आप मुझे सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय।